फरीदकोट मेडिकल कॉलेज विखे स्टाफ नर्सां नूं तनखाह ना मिलण लैके पंजाब भर दीआं स्टाफ नर्सां ने काले वेले लगा के किया प्रदर्शन, तो अज्ज बठिंडा दे विच वी प्रदर्शन किया गया। इस मौके जिला प्रधान सवरनजीत कौर ने बोलदा कहा कि फरीदकोट मेडिकल कॉलेज विखे साडियां स्टाफ नर्सां नूं बिना काम तो तंग परेशान किया जा रहा है, उन्हां दीआं सैलरियां नहीं दित्तियां जा रही, जिस नूं लैके साडे वल्लों अज्ज पंजाब भर दे विच पूरियां स्टाफ नर्सां वल्लों काले बिल ला के एक प्रदर्शन किया जा रहा है, तो अगर उन्हां दीआं सैलरियां जल्दी ना कीतियां तो उन्हां दी तंग परेशान करन ना हटिया गया तो यह संघर्षां नूं होर तेज़ किया जाएगा। आने वाले दिनों असीं संघर्षां नूं होर तेज़ करांगे। मेरा नाम स्वरनजीत कौर है, मैं नर्सिंग एसोसीएशन बठिंडा की प्रेजिडेंट हाँ। अज का यह रोस मुजहरा असी बाबा फरीद मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ की जी पे रोकी गई है वो रिगार्डिंग अज असी रोस प्रगट किया, काले बिले लगाए हैं ता कि जी गूंगी बोली अन्नी सरकार आ उन्हें तक साड़ी आवाज़ पहुँच सके कि जेडे बी सी आ फरीदकोट के वह एक तानाशाही राज उत्थे कर रहे हैं, तो मुलाजमान तनखाह रुकी के सारे पंजाब भर के तनखाह जारी हो चुकिया ने, तो उतों के साडे नर्सिंग स्टाफ नूं तंग परेशान किया जा रहा, तो असी यही मंग करते हैं कि उन्हां दी तनखाह जल्दी तो जल्दी जारी कीतियां जाण, तो नहीं तो फिर समुचा जिहड़ा नर्सिंग केडर आ एक तिखा संघर्ष खिंचण लई मजबूर होवेगा। अज समुचे सारे पंजाब दे विच काले बिल लगा के रोस प्रगट किया जा रहा ता कि जिहड़े कौंसलर फरीदकोटा उन्हां तक साडी इस मीडिया के जरिए साडी आवाज़ पहुँच सके, तो साडे जिहड़े नर्सिंग केडर दे नाल धक्केशाही हो रही आ उन्हों रोकिया जा सके। जे तुसीं चाहुंदे हो कि हर तरह की खबर तुहाडे तक पहुँचे तो तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो अते घंटी नूं ऑल ते करो।